हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीए सेकंड ईयर एजुकेशन का सेकंड पेपर है। हमने फर्स्ट पेपर पहले से अपनी अपलोड कर रखा है। ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन है। आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा। हर परिस्थिति में हम आपके साथ रहेंगे। हम आपसे दिल से प्यार करते हैं, इस प्रकार से कह सकते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब हर परिस्थिति में हम आपके साथ हैं। कोई भी कंडीशन आपके सामने होती है तो आप हमें बताइए, उसका एक न किसी न किसी निवारण से हम उसका सोल्यूशन करेंगे। हम सभी छात्रों से कहना चाहेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, ये एजुकेशन के सेकेंड पेपर है। ठीक है, जो 2022 में आने वाले क्वेश्चन है, हम जिसे हम शिक्षा शास्त्र भी कह सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन को यहाँ पेपर का नाम भी दे रखा है, शिक्षा में विचार एवं अभ्यास के बारे में। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, लगभग वही 18 से 19 क्वेश्चन होंगे। और 18 से 19 क्वेश्चनों को याद करके आप 85% ला सकते हैं, मतलब कि 85% एक सब्जेक्ट में आपको मिलेगी। मैं आपसे वादा कर सकता हूं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम से 2 दिन पहले, एग्जाम से कितने दिन पहले बेटा, 2 दिन पहले मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन दूंगा, जो क्या हो आपके एग्जाम में आते होंगे। यहां से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा ये 10 क्वेश्चनों की, लेकिन ऑल यूनिवर्सिटी के लिए एक ये वीडियो है। आप डरने नहीं है, यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से है, यूपी के ऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, सिलेबस सबका एक है। बस इतने क्वेश्चन आप पढ़ लेना, जो केवल 18 से 19 है इस वीडियो में देने वाला हूं। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन मत पढ़ना, एक भी क्वेश्चन मत पढ़ना, मैं अब भी बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके पेपर में। तो फटाफट अपने बुक, नोट्स, गैस पेपर जो भी आपने परचेज कर रखे हैं मार्केट वगैरह कुछ से, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं, क्वेश्चन पर टिक लगा के तैयारी कर सकते हैं, या फिर हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथ ही साथ हमने एक एप्लीकेशन भी बना रखी है, अलग अलग एप्लीकेशन बना रखी है हमने, हर सब्जेक्ट की अलग अलग एप्लीकेशन बनाई है, ताकि कोई दिक्कत ना आए और आप अच्छे तरीके से तैयारी करके अच्छे नंबर से पास हो सके। तो हमने पहले क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है, ये बताओ यहां बोला गया है। और साथ ही साथ जब अब एजुकेशन की पूरी परिभाषा यहां बोला गया है लिखने के लिए, एजुकेशन क्या होता है। यहां दूसरा क्वेश्चन है, दर्शन क्या होता है। देखो, दर्शन क्या होता है, शिक्षा क्या होती है, संकुचित अर्थ आपको बताना है किसका, शिक्षा क्या है उसका संकुचित अर्थ बताओ, मतलब कि उसका बिल्कुल शॉर्ट निचोड़ बता दो। और साथ ही साथ उसके कह रहा है विश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है, उसका एक विशेष अर्थ क्या होता है एजुकेशन का, और ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, एजुकेशन किस प्रकार की क्रिया है। ठीक है, वो आपको यहां एक्सप्लेन करना है। मैं आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल शॉर्ट में दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नोट से भी तैयारी कर सकते हैं, जिन छात्रों के एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए भी हम वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ को भी डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम हर तरीके से आपकी हेल्प करेंगे, हर तरीके से। आपको कुछ जाने की, शॉप तक जाने की जरूरत नहीं होगी, हम वो कर देंगे, आप घर बैठे सब कुछ करेंगे, समझ रहे हो। आपको किसी शॉप पे जाकर कोई भी चीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दिन वो आएगा, चिंता मत करो, सब कुछ धीरे धीरे होगा। यहां कह रहा है दर्शन क्या है, दर्शन क्या है, और साथ ही साथ कह रहा है विषम क्षेत्र क्या है। ठीक है, और यहां देखो दर्शन साथ के विषय क्षेत्र के बारे में आपको बता रहे हैं, दर्शन क्या होते हैं, दर्शन क्षेत्र के विषय क्षेत्र के बारे में आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के पहलू हैं, ये कथन किसका है, आपसे पूछेगा, ये शॉर्ट में पूछ सकता है, और साथ ही साथ इस कथन का बताएगा कि इसका पूरा उल्लेख करूं। इस प्रकार से पूछेगा, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के पहलू है, इसका वर्णन करो। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, आप अच्छी तरीके इसको पढ़ लेना, याद कर लेना, मैं आपको शॉर्ट में करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्शवाद क्या होता है, उसकी विशेषता और उद्देश्यों के बारे में बताइए। आदर्शवाद क्या है, उसकी विशेषता और उसके उद्देश्यों के बारे में बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा गया है, देखो प्रकृतिवादी का जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, उसकी विशेषता और उद्देश्यों के बारे में आपको याद कर लेना है, किसकी, प्रकृतिवाद के बारे में, उनकी विशेषता उसको उल्लेख के बारे में। अच्छी, प्रकृतिवाद को याद करेंगे, आदर्शवाद को याद करेंगे, प्रयोगजनवाद को याद करेंगे, प्रयोगजन क्या होता है, उनके उल्लेख, उनके सिद्धांत को याद करेंगे, यथार्थवाद क्या है, उसके उसके बारे में बात करेंगे, यथार्थवाद के बारे में अच्छे तरीके से। और अरविंद जो घोष की शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन कर रहा है, जो अरविंद घोष के शिक्षा संबंधी विचारों का वर्णन करना है, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है रविंद्रनाथ टैगोर के, देखो रविंद्रनाथ टैगोर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहां टिक लगा लेना इंपोर्टेंट में। या गया रविंद्रनाथ टैगोर के जो शैक्षिक विचार और सिद्धांतों को आपको देख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में बोला गया महात्मा गांधी के, जो महात्मा गांधी के जो कह सकते हैं शैक्षिक विचार, उनके कुछ विचार थे, उन्होंने महात्मा गांधी ने विचार दिए थे और उनके जो सिद्धांत रहे थे उन सिद्धांतों को अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे जिसे कहते हैं किंडरगार्ड, कह सकते हैं किंडरगार्ड जो गार्टन थे प्रणाली सिद्धांत दिया गया था, और इनके जो शिक्षण कह सकते हैं शिक्षण विधि और मूल्यांकन विधि दोनों को अच्छे तरीके से देखेंगे, और जो मॉन्टेसरी पद्धति थी उनके सिद्धांत उनके विधि उनके मूल्यांकन गुण दोषों को याद करेंगे। ठीक है, मॉन्टेसरी बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है, इसे कहते हैं मॉन्टेसरी पद्धति बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसके सिद्धांत को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको दिखा रहे हैं इनके हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नोट्स का हमने ऐप भी बना रखे हैं जो ऐप भी आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, ऐप से बेहतर बन सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा जो इतिहास बदलेंगे हम लोग, समझ रहे हो ना। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए वो करके दिखाएंगे जो किसी ने अभी तक नहीं किया होगा, पेपर हैकर वो करके दिखाएगा आपको। यहां सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन, देखो यहां क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, आपको सब कुछ देगा, आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे हम लोग, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो कहा जा रहा है बस अब तक उतना पढ़ो, अभी काफी टाइम है एग्जाम के लिए, एग्जाम से पहले सब कुछ करेंगे हम। यहां देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर डाल्टन जो प्रविधि है उसके सिद्धांत और उनके उद्देश्यों को याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट योजना पद्धति की व्याख्या के बारे में और उनके सिद्धांतों के बारे में देख लेना है, तो प्रोजेक्ट और योजना पद्धति की व्याख्या और सिद्धांतों के बारे में हमें याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुशासन क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पे लगा दो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अनुशासन क्या होता है, प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम का वर्णन करो और उनके दर्शन और उनके दोषों के बारे में याद कर लेना है, प्रकृतिवाद के जो दर्शन और दोष है उनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है और साथ ही साथ उनके पाठ्यक्रम का वर्णन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर टिक लगा लेंगे मेरे दोस्तों, बस इतने क्वेश्चन और हैं उसके बाद कुछ नहीं है। यहां बोला गया है अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की विशेषता बता दो, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की विशेषता और उनके उद्देश्य के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो होती है उनकी क्या विशेषताएं होती है। बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आपने देखे होंगे, हमारे यहाँ एमजेपीआरई रोहलखंड नहीं है, ये इंटरनेशनल एक और है इंटरनेशनल रोहलखंड यूनिवर्सिटी के नाम से, तो अलग अलग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उनकी विशेषता तो कुछ होती है तो वो आप देखेंगे। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में देखो स्वीकारी है, यहां देखो करें शिक्षा के क्षेत्र में जो गुरजू भाई थे उनका क्या योगदान रहा है, एजुकेशन के क्षेत्र में गुरजू भाई का क्या योगदान रहा है, उनके जीवन कार्य के बारे में अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। बाकी 10 क्वेश्चन एग्जाम से दो दिन पहले दूंगा, जैसे ही मुझे मिलते हैं वहां से मैं आपको तुरंत ट्रांसफर कर दूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोल रखा है बाल देवो भव क्या होता है, बाल देवो भव क्या होता है अच्छी तरीके से याद कर लेंगे बाल देवो भव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी की जो बुद्धि कह सकते हैं बुनियादी शिक्षा, जिसे हम बेसिक शिक्षा भी कह सकते हैं, बुनियादी शिक्षा को बेसिक शिक्षा भी कह सकते हैं, उन्हें संक्षेप में आपको लिखना है कि गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा थी बेसिक शिक्षा थी वो संक्षेप में आपको उसका वर्णन करना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्वामी विवेकानंद, बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये है स्वामी विवेकानंद की स्त्री शिक्षा, देखो कह रहा है स्त्री शिक्षा पर विचार क्या है, तो स्वामी विवेकानंद ने जो लड़कियां थी स्त्री कह सकते हैं फीमेल एजुकेशन के बारे में उन्होंने कुछ विचार दिए थे और उनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ रहा है, किनके स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिक्षा का क्या अर्थ रहा है वो आपको देखना है। बस इतने क्वेश्चन मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं कह रहा कि भाई सब कुछ पढ़ लो, कुछ नहीं, बस इतने क्वेश्चन है, लगभग 18 से 19 क्वेश्चन है ये, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% ला सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, याद रखना कि कोई पैदा नहीं है आपका फेल कर सके, ये आप उस बात को याद रखना, कोई फेल करने वाला आपको पैदा नहीं है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना है और एग्जाम से पहले दो दिन पहले वो सब कुछ प्राप्त करना है आपको जो आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे और वीडियो को ज्यादा एक लाइक जरूर करना है, लाइक से मोटिवेशन मिलता है मुझे, वीडियो बनाता हुआ मजा आता है। ठीक है, और कुछ नहीं, बस इतना चाहता हूं आपसे और साथ ही साथ आप सभी लोग
बीए पेपर हैकर को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू, लव यू।